हे गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट असॉल्ट राइफल्स के बारे में। नंबर 10, M16 USA। M16 को लेट 1950s में आर्मलाइट ने डिजाइन किया था। उसके बाद इस गन को US आर्मी ने अडॉप्ट किया और इसके बाद यह गन एक स्टैंडर्ड इशू इन्फेंट्री वेपन बन गई। US आर्मी ने डिमांड की थी कि उन्हें एक बहुत ही ज्यादा लाइट वेपन चाहिए, तो M16 में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स यूज किए गए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। इस गन में स्टील की जगह एल्यूमिनियम और वुड की जगह फाइबर ग्लास लगाया गया है ताकि यह बहुत ज्यादा लाइट वेट रह सके। नंबर 9, AK-103 रशिया। AK-103 AK-100 सीरीज की एक असॉल्ट राइफल है। AK-103 लेजेंडरी AK-47 की ही तरह दिखती है, लेकिन AK-103 में बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज और बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया गया है। AK-103 7.62x39mm की एम्युनेशन के साथ आती है। AK-100 की असॉल्ट राइफल को रशियन आर्म फोर्सेस यूज करती है और AK-103 असॉल्ट राइफल मोर देन 10 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया गया है। नंबर 8, हैकलर एंड कोच G36 जर्मनी। G36 असॉल्ट राइफल को हैकलर एंड कोच ने डेवलप किया है G3 असॉल्ट राइफल को रिप्लेस करने के लिए। 1995 से ही G36 एक स्टैंडर्ड इशू इन्फेंट्री राइफल है जिसको कि जर्मन आर्म्ड फोर्सेस के साथ मिलकर बनाया गया है। यह गन को मोर देन 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया गया है और यह गन 5.56x45mm की एम्युनेशन के साथ आती है। इस असॉल्ट राइफल को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ मैन्युफैक्चर किया गया है। नंबर 7, हैकलर एंड कोच G3 जर्मनी। G3 असॉल्ट राइफल को हैकलर एंड कोच कंपनी ने लेट 1950s में डिजाइन किया था। इस गन को जर्मनी मिलिट्री ने 1959 में अडॉप्ट किया और मिड 1990s तक यूज किया और उसके बाद इस गन को G36 असॉल्ट राइफल ने रिप्लेस कर दिया। G3 असॉल्ट राइफल को जर्मन बॉर्डर गार्ड्स और पुलिस फोर्सेस अभी भी यूज करती है। इस गन को बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया था मोर देन 75 कंट्रीज में और अभी भी मोर देन 60 कंट्रीज में इस गन को यूज किया जाता है और कुछ कुछ कंट्रीज में तो यह गन अभी भी लाइसेंस के अंडर प्रोड्यूस की जाती है। यह गन 7.62x51mm एम्युनेशन के साथ आती है। नंबर 6, स्टेयर ऑग ऑस्ट्रिया। स्टेयर ऑग को ऑस्ट्रिया में डिजाइन किया गया है। इस गन को ऑस्ट्रियन आर्मी ने 1977 में ही अडॉप्ट कर लिया था। जब पहली बार यह गन अपीयर हुई तो यह गन बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी साबित हुई हर एक एस्पेक्ट्स में। इस गन को इंट्रोड्यूस करने के कुछ टाइम बाद ही ऑग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई। इस गन को 5.56x45mm की एम्युनेशन में यूज किया जाता है। इस गन को सिंथेटिक मटेरियल्स और एडवांस्ड अलॉय से बनाया गया है। यह गन बहुत ही ज्यादा लाइट वेट, रिलायबल और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस गन को मोर देन 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया गया है। नंबर 5, गलील इसराइल। गलील असॉल्ट राइफल को लेट 1960s में डेवलप किया गया था। एस्रेल गलील जिन्होंने इस असॉल्ट राइफल को डेवलप किया था उन्हीं के नाम पे इस गन का नाम पड़ा। इस गन को इसराइल डिफेंस फोर्स ने 1972 में अडॉप्ट किया था और प्रेजेंट में भी यह गन इसराइल आर्मी में यूज की जाती है। हालांकि गन्स जैसे कि TAR-21 और X-95 जो कि इस गन को रिप्लेस कर चुके हैं वो गन भी इसराइल आर्मी के द्वारा यूज की जाती है और साथ में गलील भी इस असॉल्ट राइफल को बहुत सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जा चुकी है और आज के टाइम पे भी मोर देन 30 कंट्रीज में इस गन को यूज की जाती है। नंबर 4, Tavor TAR-21 असॉल्ट राइफल को इसराइल मिलिट्री इंडस्ट्री ने अर्ली 1990s में डेवलप किया था। यह गन बहुत ही ज्यादा सिंपल, टफ और वर्सेटाइल है। इस गन को इसराइल आर्मी ने 2006 में एज ए स्टैंडर्ड इशू इन्फेंट्री राइफल अडॉप्ट किया था और यह असॉल्ट राइफल भी मोर देन 20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जा चुकी है और इस गन में भी 5.56x45mm की एम्युनेशन यूज की जाती है। नंबर 3, SIG-SG-550। SIG-SG-550 को 1986 के बाद बनाया गया है। इस गन को स्विस आर्मी ने 1990 में एज अ स्टैंडर्ड इशू मिलिट्री राइफल अडॉप्ट किया। इस गन को मोर देन 20 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा चुका है और इस गन को मेनली इलाइट फोर्सेस और स्पेशल फोर्स की यूनिट्स यूज करती है। इस गन की अभी तक मोर देन 600,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा चुकी है और इस गन में भी 5.56mm की ही एम्युनेशन यूज होती है। नंबर 2, हैकलर एंड कोच SK-416 जर्मनी। SK-416 असॉल्ट राइफल को हैकलर एंड कोच कंपनी ने 1990s में US आर्मी की डेल्टा फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए डेवलप की थी। यह गन M4 कैरेबियन की एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसको कि पहले US मिलिट्री यूज किया करती थी। इस गन को भी मोर देन 20 कंट्रीज यूज करती है और यह गन को मेनली स्पेशल फोर्सेस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूज करती है। अपीयरेंस के मामले में SK-416 M4 की तरह दिखता है।
नंबर 1 एफएन स्कार बेल्जियम। एफएन स्कार मॉड्यूलर असॉल्ट राइफल को बेल्जियम की फेमस बेल्जियन फैब्रिक नेशनल ने डेवलप किया है यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांडोज की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए। यूएस की स्पेशल फोर्सेस ने एक न्यू कॉम्बैट राइफल की रिक्वेस्ट की थी जो कि अलग अलग कैलिबर्स में अवेलेबल हो। यह गन को यूएस की स्पेशल ऑपरेशन कमांडो फोर्स ने 2009 में अडॉप्ट किया। करेंटली यह गन मोर देन 20 कंट्रीज के पास है और इस गन को मेनली स्पेशल फोर्सेस इलाइट फोर्सेस यूज करते हैं। इस गन के दो बेसलाइन मॉडल्स हैं। पहला है स्कार एल यानी कि स्कार लाइट जो कि 5.56x45mm की एमिनेशन में अवेलेबल होता है और दूसरा है स्कार एच यानी स्कार हैवी जो कि 7.62x51mm एमिनेशन में अवेलेबल होता है। और जो लोग पबजी खेलते होंगे उन लोग को अच्छे से पता होगा कि यह गन कैसी है और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें उनको पता होगी। तो ये थे वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट असॉल्ट राइफल्स। और अगर आपको जानना है कि इंडियन आर्मी कौन कौन से वेपन्स और कौन कौन से गन्स यूज़ करती है तो आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना।